वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले मुसलमान उनको बेघर कर रहे थे। नमस्कार, मैं अमन, आपका स्वागत है वीके न्यूज। वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी तो की, जिसके बाद कई कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। किसी ने गला काटने का फरमान जारी कर दिया तो किसी ने कहा कि उनको बीच बाजार में गोलियों से भून दो। अब ये सब भैया विवाद कम भी नहीं हुआ था कि वसीम रिजवी ने एक और ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के या फिर जो कट्टरवाद और जिहादी हैं इनको मिर्ची के साथ साथ ये बौखला भी उठे कि यहाँ पर वसीम रिजवी ने ये क्या ऐलान कर दिया। जी हाँ, उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिशें कर रही। इसी क्रम में जितेंद्र नारायण त्यागी ने एक वीडियो के जरिए कहा है कि ऐसे धर्म संसद पूरे हिंदुस्तान में होगी। उन्होंने कहा है कि हम जिहादियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हरिद्वार में धर्म संसद क्या हो गई? पूरी मुस्लिम मुल्कों में बेचैनी पैदा हो गई। नसुद्दीन शाह 20 करोड़ मुसलमानों को जिहाद के लिए उसका रहा है। असदुद्दीन ओवैसी देश में आग लगाना चाहता है। पाकिस्तान में बेचैनी है और पाकिस्तान की बेचैनी का असर उत्तराखंड के डीजीपी पर हो गया है। रोज किसी ना किसी साधु संत को धर्म संसद के मामले में नामजद किया जा रहा है। ये सेकुलर लोग जो धर्म संसद की मुखालफत कर रहे हैं, उस वक्त इनकी जबानें क्यों खामोश थी जब हिंदू होने की वजह से कश्मीर से कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले मुसलमान उनको बेघर कर रहे थे, उनकी बहू बेटियों के साथ में रेप कर रहे थे। धर्म संसद में हमने आत्मरक्षा की बात की है, किसी की हत्या नहीं की है, और ऐसी धर्म संसद पूरे हिंदुस्तान में होगी। हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा अपने हित के लिए, अपने बचाव के लिए। हम जिहादियों के आगे घुटने नहीं टेकने वाले। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने धर्म संसद के मामले की जांच के लिए SIT की गठन कर दिया है। साथ ही इस मामले में गढ़वाल पुलिस के उप निरीक्षक के एस नगल ने कहा है कि हमने SIT का गठन किया है, वहां जांच करेगी और आगे जो भी यहां पर कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। अब हालांकि वसीम रिजवी के इस बयान से जिहादियों और जो बिल्कुल कट्टर है और जो हिंदू और बीजेपी को बदनाम करते रहते हैं उनको वो बौखला उठे कि चलो हिंदू धर्म में वापसी तो इन्होंने कर ली। लेकिन जिस तरीके से ये बयान कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि वसीम रिजवी ने बोला था कि जितनी भी इनके मदरसे चल रहे हैं उसमें आतंक की शिक्षा दी जाती है, उस पर ताला लगाओ। अभी वो विवाद कम भी नहीं हुआ था कि इस बयान से यहाँ पर फिर से हलचल मच गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भैया मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे मुस्लिम या फिर कोई भी कट्टरपंथी उन्हें धमकी देगा तो वो यही कहेंगे कि जितने भी मुस्लिम में हैं वो हिंदू धर्म में वापसी करें, और लगातार ऐसी ही घर वापसी होती रहेगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।